अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आईटी विद सोनिया राजपूत। अगर आप विजडम शेयर स्मार्ट क्लाउड टीवी यूज़ कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंस्टॉल्ड ऐप स्टोर होता है उसमें किसी भी एप्लीकेशन का डाउनलोड किस तरह से कर सकते हैं और उसको अनइंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि विजडम शेयर्स स्मार्ट क्लाउड टीवी से रिलेटेड मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस को अपलोड कर रखा है। अगर आप मेरी उन वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के एंड पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसको क्लिक करके इस टॉपिक से रिलेटेड आप मेरी ऑल वीडियोज़ को वॉच कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपना ऐप स्टोर ओपन कर लेते हैं एंड एंटर। तो यहाँ पे हमारा जो इस टीवी का बाय डिफ़ॉल्ट ऐप स्टोर है वो ओपन होकर आ गया है। जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप इस टीवी में प्ले स्टोर को किस तरह से डाउनलोड करके प्ले स्टोर की ऐप्स इसमें कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट एट द टाइम हम इस ऐप स्टोर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो जैसे ये ऐप स्टोर ओपन होता है तो ये हमें होम टैब में लेके आता है और होम टैब में हमें कैटेगरी वाइज ऐप्स शो होती हैं। सबसे टॉप पे है न्यू, ऑब्वियसली जो न्यू ऐप्स आएंगी वो यहाँ पे शो हो रही हैं। उसके नीचे है क्लासिक, क्लासिक में स्मार्ट होम एंड WPS ऑफिस है जो कि एक डॉक्यूमेंट्स ओपन करने की एप्लीकेशन है। और नेक्स्ट है पॉपुलर की कैटेगरी, पॉपुलर में आपको यहाँ पे कुछ ऐप्स शो होंगी। ये ऐप स्टोर जो है वो इतना बड़ा नहीं है, मतलब उसमें बहुत सारी ऐप्स नहीं हैं, मगर जो फेमस पॉपुलर ऐप्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगी। ये देखिए UC ब्राउज़र भी है, YouTube भी है, Netflix भी है, ठीक है। बट फिर भी कुछ समटाइम ऐसा होता है कि हम ऐसी ऐप्स को डाउनलोड करना चाहते हैं कि जो इस ऐप स्टोर में आपको नहीं मिलती हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी है, मैं आपको प्ले स्टोर को डाउनलोड करना बता दूंगी। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास टॉप की कैटेगरी है, इसमें भी देख लेते हैं कुछ ऐप्स इन्होंने दी हुई हैं। नेक्स्ट है जी पर्सनलाइज्ड, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी ऐप्स हैं। वैसे इस ऐप स्टोर को मैंने नोटिस किया है इतनी जल्दी अपडेट नहीं होता, मतलब इसमें नई ऐप इतनी जल्दी आती नहीं है। जब से ये हमारे घर में टीवी आया है इसमें मुझे यही ऐप्स शो हो रही हैं। ओके नेक्स्ट है जी वीडियो, वीडियो में भी देख लेते हैं क्या कुछ हमें मिल रहा है। और लास्ट में है मोर की ऑप्शन, मोर की ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो उन सभी ऐप्स जो कि ऑलरेडी आपको वहाँ पे शो हो रही थी उनके साथ यहाँ पे कुछ और ऐप्स भी ऐड कर दी जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से मैं एग्ज़िट का बटन प्रेस करती हूँ ताकि मैं इस स्क्रीन से एग्ज़िट हो पाऊँ। नेक्स्ट है जी एजुकेशन, ऑब्वियसली जो इनके पास ज़्यादा ऐप्स होती हैं तो उसके एंड पे एक मोर की ऑप्शन होती है जिसमें आपको उस कैटेगरी से रिलेटेड मोर ऐप्स मिल सकती हैं। मैं यहाँ से एक ऐप को भी डाउनलोड करूँगी बट मैं आपको उससे पहले दिखा देती हूँ कि इनके पास कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। ये एजुकेशन की कैटेगरी है, म्यूज़िक है, न्यूज़, लाइफस्टाइल, टूल्स एंड गेम्स, ठीक है। तो अब मैं आपको एक ऐप को इंस्टॉल करके दिखाती हूँ। तो ऐप को तो मैं अभी थोड़ी देर में इंस्टॉल करूँगी बट पहले मैं स्टोर को एक्सप्लोर कर लूँ। स्टोर को एक्सप्लोर करने के लिए मैं रिमोट से लेफ़्ट नेविगेशन की को प्रेस कर रही हूँ। अब देख सकते हैं हम क्लासीफाई के ऊपर आ गए हैं। क्लासीफाई से अगर मैं होम को ऊपर जाना चाहूँ तो अप नेविगेशन की को प्रेस करूँगी, होम में आ गए। और उसके बाद अगर आपको कोई किसी ऐप को सर्च करना है तो आप इस सर्च में आने के बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपके सामने सर्च बार ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे कोई ऐप लिखिए और उसको सर्च कर लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ से एग्ज़िट हो रही हूँ। यहाँ है माई ऐप्स, यानी आपके टीवी में जो जो ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं वो सभी की सभी यहाँ पे शो होंगी। और उसके नीचे है अबाउट, यहाँ पे वो बता रहा है जी ये जो ऐप स्टोर है उसका वर्जन यहाँ से अपडेट होगा। अगर आप उसको अपडेट करना चाहें तो कर लें, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इन ऐप्स को ज़्यादा छेड़िए नहीं, मतलब अपडेट के लिए मत कहिए। समटाइम ये होता है कि एंड्रॉयड वर्जन तो हमारे पास ओल्ड होता है, जो अपडेटेड वर्जन होता है ऐप्स का वो उस ओल्ड एंड्रॉयड वर्जन से कंपेटिबल नहीं होता, तो फिर वो ऐप
प्रॉपरली टीवी पे वर्क नहीं करती है, तो काम चल रहा है चलता रहने दीजिए। तो यहाँ से मैं एग्ज़िट हो रही हूँ, और अब ये तो होम स्क्रीन पे आ गया। खैर, मैं ऐप स्टोर को ओपन करती हूँ और आपको ऐप इंस्टॉल करके दिखाती हूँ। यहाँ से मैं ऐप इंस्टॉल करती हूँ, एजुकेशन में, एजुकेशन कैटेगरी में आने के बाद ये एबीसी किड्स कर लेते हैं। ये छोटी सी फाइल है इसलिए मैं इसी को डाउनलोड कर लेती हूँ। डाउनलोड पे आ गए, और डाउनलोड पे आने के बाद जस्ट मैंने एंटर का बटन प्रेस करना है। आप टॉप पे इसका फाइल साइज़ भी देख सकते हैं, 11.88 MB है। ठीक है, तो अब मैं डाउनलोड करने के लिए एंटर का बटन प्रेस कर रही हूँ। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, समटाइम ऐसे भी होता है कि डाउनलोडिंग होने के दौरान यहाँ पे आ जाता है डाउनलोड फेल्ड, और डाउनलोड रुक जाती है। तो आपने उस दौरान वरीड नहीं होना, जस्ट आपने अगेन एंटर का बटन प्रेस कर देना है, तो डाउनलोड आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी और एट द एंड पूरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, एंड ओपन। ओपन करने के लिए मैं अपने रिमोट से एंटर का बटन प्रेस कर रही हूँ। और इसको कर दिया मैंने म्यूट। ठीक है जी, यहाँ पे जो आपके सामने गेम ओपन हो गई है, इसको आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। इसके लिए आपको माउस की ज़रूरत पड़ेगी। माउस के लिए आप अपने टीवी के ऊपर इस माउस की को प्रेस करेंगे तो हैंड शेप में जो माउस होता है वो शो होने लग जाएगा। अगर नहीं होता है तो ऑब्वियसली फिर आपको जो USB केबल वाला माउस होता है वो अटैच करना पड़ेगा। मैं यहाँ से आपको कुछ ओपन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, आपने जो भी गेम या ऐप डाउनलोड किया आप उसको यूज़ कीजिए। और अब मैं यहाँ से एग्ज़िट होती हूँ और आपको बताती हूँ कि आप इस ऐप को किस तरह से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगेन एग्ज़िट। अब आ रहा है जी, आर यू श्योर यू वांट टू एग्ज़िट? बिल्कुल। डाउन एरो की को प्रेस कर रही हूँ और राइट एरो की को प्रेस किया ताकि मैं येस पे चली जाऊँ, एंड एंटर। अगेन एग्ज़िट। ऐप स्टोर में आपको कहीं पे भी अनइंस्टॉल की ऑप्शन शो नहीं होगी। अगेन एग्ज़िट। तो अनइंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है टीवी असिस्टेंट में। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक बहुत ही डिटेल में वीडियो को अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको यहाँ से मैं क्लिक करके ओपन कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है टीवी असिस्टेंट, आपके टीवी की स्पीड को बढ़ा भी देती है। ओके जी, अब यहाँ पे आने के बाद डाउन एरो की एंड ऐप अनइंस्टॉल, इसको मैं क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे आपने बहुत केयरफुल रहना है। यहाँ पे जो सेटिंग्स आपको शो हो रही हैं इसको आपने किसी सूरत में अनइंस्टॉल नहीं करना है। उसके अलावा आपके पास जो भी ऐप्स हैं आप कीजिए, आपकी चॉइस है, बट ये जो सेटिंग्स है इसको आपने बिल्कुल भी अनइंस्टॉल नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो टीवी है वो ठीक से वर्क नहीं करेगा। ठीक है जी, यहाँ से मैं ABC किड्स ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहती हूँ, उस पर मैं जाऊँगी एंड एंटर का बटन प्रेस कर दूँगी, और उसके बाद राइट नेविगेशन की को यूज़ करते हुए ओके एंड एंटर। तो जनाब, ऐप मेरी अनइंस्टॉल हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ से मैं अपने रिमोट को यूज़ करते हुए एग्ज़िट हो रही हूँ। अगेन एग्ज़िट का बटन प्रेस करूँगी यहाँ से, बल्कि यहाँ से टीवी असिस्टेंट पे आके 2 times एग्ज़िट का बटन प्रेस करूँगी इस स्क्रीन में से एग्ज़िट होने के लिए। तो ये जो होम स्क्रीन पे आपको ऐप्स शो हो रही हैं, इन पे ऑलरेडी डिटेल में मैं वीडियो को अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप उन वीडियोस को वॉच करना चाहें तो वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या वीडियो के एंड पे जो प्लेलिस्ट होगी उसको क्लिक करेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मेरी ऑल वीडियोज़ शो हो जाएंगी। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।